हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस बराबर जीरो के मूल होंगे। तो हम इसको सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस बराबर जीरो। यहाँ पर अगर मैं द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से इसको तुलना करता हूँ, सी तुलना पर तुलना करने पर क्या मिलेगा मुझे, ए बराबर वन मिल रहा है या वन है, बी बराबर मेरे पास माइनस तीन है और सी बराबर है माइनस दस। तो मुझे ए गुणा सी का गुणा करना है, तो ए गुणा माइनस दस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस पाँच गुणा दो, और पाँच में जब मैं दो जुड़ूँगा तो मेरे पास आ जाएगा तीन। तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स को लिख सकता हूँ माइनस के पाँच एक्स प्लस के दो एक्स माइनस दस बराबर जीरो। अब यहाँ पर मेरे पास दो जोड़ी बन गई, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस पाँच, इसमें से मैं दो कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस पाँच। तो इस समीकरण के गुणनखंड आ गए एक्स माइनस पाँच और एक्स धन दो बराबर जीरो। अब मैं एक्स माइनस पाँच को जीरो के बराबर रखूँगा तो एक्स मेरे पाँच आ जाएगा, एक्स प्लस दो को मैं जीरो के बराबर रखूँगा तो एक्स बराबर माइनस दो आ जाएगा। इस तरह से एक्स के दो बार आए माइनस दो और पाँच। तो यही समीकरण के मूल हैं या हल हैं। तो पाँच और माइनस दो जो कि उत्तर सी में दिया हुआ है, इस समीकरण के मूल होंगे। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें।